वैशाख बुद्ध पौर्णिमेच्या पावन पर्वावर नांदेडच्या मुलगंध कुटी विहाराच्या दुसऱ्या मजल्याच्या स्लॅबचे काम प्रगतीपथावर असून येणाऱ्या काळात येथे गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका ग्रंथालय तसेच अत्याधुनिक साधन सामुग्रीसह निवासी व्यवस्था तसेच तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन या वर्गांचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती पूज्य पदांत विनय बोधिप्रिय यांनी लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर दिली. नमोबुद्धाय. सभी के प्रति अनंतापार मंगल मैत्री, असंख्य असंख्य मंगल कामना. मालेगाव रोड तथागत नगर नांदेड स्थित यह मुलगंध कुटी बुद्ध विहार, जिसका निर्माण कार्य का आरंभ लगभग 10 साल पहले हो चुका है, और यहाँ पर बुद्ध विहार के नाम पर आज तक यानी परिपूर्ण बुद्ध विहार नहीं हो चुका था, तो आज तक एक सभागृह में बुद्ध रूप की प्रतिष्ठापना करके यहाँ पर वर्षावासों का आयोजन किया गया. हर दिन सुबह 6 बजे और रात में 7 बजे बुद्ध वंदना तथा धम्मदेशना का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है. हर दिन विशेषकर साप्ताहिक वंदना का रविवार को आयोजन किया जाता है, और हर पूर्णिमा में यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है. बुद्ध विहार की परिपूर्णता बौद्ध संस्कृति में जो वर्णन की गई है उसमें एक बुद्ध रूप होना चाहिए. बुद्ध रूप के इर्द गिर्द सभागृह होना चाहिए जहाँ पर लोग बैठकर वंदना कर सके या उपदेश सुन सके. वहाँ चैत्य होना चाहिए, महाबुद्धि वृक्ष होना चाहिए, भिक्खु और भिक्खुओं के लिए निवास होना चाहिए. इस पुरातन संस्कृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे चल के इसमें एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है नमूद कर दी कि बुद्ध विहार केवल पूजा वंदना का स्थान नहीं होना चाहिए, तो यह संस्कार केंद्र होना चाहिए, और इसलिए बुद्ध विहारों में ग्रंथालय होना चाहिए. तो बाबा साहब के कहने के अनुसार मुलगंध कुटी बुद्ध विहार मालेगांव रोड तथागत नगर इस विहार में पहले से मौजूद यह सभागृह है जिसको हम ग्रंथालय के लिए यूज़ करने वाले हैं, उपयोगिता में लाने वाले हैं. और यहाँ पर कई बेरोजगार जो आर्थिक दृष्टा कमकुवत है ऐसे गांव देहातों से होतकरू विद्यार्थियों को निवास की व्यवस्था करने वाले हैं, और उन्हें सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं. उनके रहने या खाने पीने की व्यवस्था करके यहाँ पर एक जो है एक प्रकार से अभ्यासिका बनाने वाले हैं, और इस अभ्यासिका में मार्गदर्शन करने के लिए हर सप्ताह कोई एक सक्सेसफुल पर्सन आएगा, जो IAS IPS हो गए या MPSC थ्रू Class 1 Class 2 होंगे. और आज इस 2568 बुद्ध पूर्णिमा के मंगल अवसर पर इस बुद्ध विहार को परिपूर्ण करने के मार्ग में हमने इस विहार का ऊपरी मंजिला जहाँ पर मुख्य विहार होगा, मेन श्राइन जहाँ पर होगी, उसका निर्माण करने का जो कार्य है. इस तथागत नगर तथा आसपास के परिसर के जो बौद्ध अनुयायी उपासक उपासिका ये हैं, उनकी श्रद्धा बल से जो अर्थदान उनसे मिला है, इस विहार को परिपूर्ण किया जा रहा है. और आज इस मंगल अवसर पर इसका स्लैब जो है इसका छत डलवाने का काम शुरू हो चुका है. हम कामना करते हैं कि आने वाले विजयादशमी तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की थी, उस धम्म क्रांति के अवसर पर हम ऊपरी मंजिले का यह परिपूर्ण बुद्ध विहार लोकार्पण करेंगे. एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल उत्सव इसका हमें करना है. और इस बुद्ध विहार को यानी पुरातन बौद्ध संस्कृति में भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात और वर्तमान में मॉडर्न एज में जो बौद्ध राष्ट्र में बुद्ध विहारों का निर्माण किया गया है, जितनी जगह यहाँ पर मिली है, जितना स्पेस यहाँ पर मिलता है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि पुरातन बौद्ध संस्कृति का दर्शन इस बुद्ध विहार में होना चाहिए. और वर्तमान में जो बौद्ध राष्ट्रों ने अत्यंत मूल्याधिष्ठित और सुशोभित बुद्ध विहारों का निर्माण किया, तो इस मुलगंध कुटी बुद्ध विहार को हम उस प्रकार से बनाने का
प्रयास करने वाले हैं और आप सभी महानुभाव उपासक और उपासिकाएं केवल ना कि तथागत नगर नांदेड़ शहर के सभी क्षेत्रों से और नांदेड़ शहर से ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से ही नहीं तो पूरे भारत में और विश्व में कई लोग हैं जो इसके लिए अपना योगदान देते हैं, जिसके जिनके श्रद्धा का बल दृश्य या अदृश्य स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। मी बापूसाहेब तुकाराम सावंत तथागत नगर मुलगंदकुटी विहारामध्ये असतो। या ठिकाणी पूज्य बंते विनयबोधी प्रिय महातेरो यांच्या मार्गदर्शनाखाली या बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्तानं वरच्या मजल्याच्या स्लॅबचं काम आज या ठिकाणी पूर्ण होतं आहे। आदरणीय भिक्खू विनयबोधी प्रिय यांच्या जी काही संकल्पना आहे ती संकल्पना आम्ही या ठिकाणी या विहारामधनं व्यक्त करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे। खालच्या मजल्यामध्ये या ठिकाणी अभ्यासिका आणि विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन मिळावं अशा प्रकारची एक अभ्यासिका निर्माण करायची आणि वरच्या मजल्यावर त्या ठिकाणी असणारा विहारासाठी सभागृह त्या ठिकाणी आम्ही तयार करत आहोत। आदरणीय भिक्खू आम्हाला या ठिकाणी असणाऱ्या धम्मक्षेत्रामध्ये धम्माच्या बाबतीमध्ये मार्गदर्शन करतच असतात आणि हीच धम्म चळवळ या ठिकाणी या विहाराच्या माध्यमातून पूर्ण शहरामध्ये आणि देशामध्ये या ठिकाणी विकसित व्हावी हा संकल्प या ठिकाणी असणारा आम्ही करत आहोत। मी प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर मुलगुंद कुटी बुद्धविहार तथागत नगरच्या परिसरातच राहतो आहे। आमच्या या विहारामध्ये आदरणीय भिक्खू विनयबोधी प्रिय महाथेरो यांच्या मार्गदर्शनाच्या अनुषंगानं हा विहाराचं काम आम्ही हाती घेतलं आणि तथागत नगर व तथागत नगर परिसरातील सर्व लोकांनी उत्स्फूर्तपणे दान दिलेलं आहे आणि या दानाच्या माध्यमातून आम्ही ही विहाराची वास्तू उभी करत आहोत। या विहारामध्ये हे केवळ पूजा अर्चनेचं विहार नसावं, इथे एक संस्कार केंद्र व्हावं, काही विद्यार्थी येऊन अभ्यास करावेत आणि धम्माला त्या विद्यार्थ्याच्या माध्यमातून एक चेतना मिळावी हा एक उद्देश पुढे ठेवून आम्ही या विहाराची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। आदरणीय भिक्खू विनयबोधी प्रिय यांचं अतिशय योग्य पद्धतीचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळाल्या कारणानं आम्ही या विहाराची अतिशय योग्य पद्धतीने जडणघडण करत आहोत आणि आमचा सर्व परिवार तथागत नगरचा या कार्यामध्ये अतिशय हिरिरीने आनंदाने जे जे आपल्याकडे आहे मनुष्यबळ असेल किंवा काही साधन सामुग्री असेल ते उत्स्फूर्तपणे दान करते, त्यांचं मी या विहार कमिटीच्या वतीने आभार मानतो आहे। धन्यवाद।